दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं आपका भाई कमांडो हिदायत खान। दोस्तों मैं इस समय पहुंचा हूं मेडिकल नल्लड़ के नज़दीक गांव नल्लड़ के। इस समय मैं पहाड़ में यहां मौजूद हूं। पहाड़ में यहां पर जो मकान तोड़े गए थे सरकार द्वारा, जिस तरह बताया गया था कि यहां पर भी दो भाइयों के मकान तोड़े गए हैं, तकरीबन यहाँ 14 मकान तोड़े गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि लोग सरकारी ज़मीन में हैं और वो एक्चुअल में पहाड़ में फिलहाल ही बसे हुए थे, तो अवैध निर्माण होने की वजह से इनको तोड़ दिया गया। साथियों ये वन विभाग की ज़मीन बताई जा रही है सरकार द्वारा। बाकी इस समय ये बेघर हो गए हैं, तो इस समय हमारा हक है, एक इंसानियत का धर्म दिखाने का हक है। जिस तरह हमने मेडिकल नल्लड़ कॉलेज के अंदर लगातार 5 दिन तक राशन भेजा खाने का बनाकर, गांव चंदेनी से पूरे गांव चंदेनी की माँ बहनों ने खाना बना के भेजा। तकरीबन 300-400 पेशेंट थे, उनके साथ उतनी अटेंडर थे और स्टाफ भी था, 150-200 करीब स्टाफ, 700 आदमियों का खाना लगातार दोनों टाइम हम लोग 4 दिन तक लगातार लाए। इंसानियत दिखाने का वक्त था, क्योंकि वहाँ पर हिंदू मुसलमान सभी धर्मों के लोग पेशेंट थे। हमने वहाँ भी इंसानियत दिखाई और उसी इंसानियत को दिखाते हुए भी हम पहुँचे हैं नल्लड़ के जो मकान टूटे हैं इन पर। यहाँ पर ये दो भाई हैं, हसन मोहम्मद और आस मोहम्मद, इन दो भाइयों के यहाँ मकान टूट चुके हैं। तो ये इनकी माता जी बुजुर्ग दिखा सकते हैं, ये बच्चे हैं, ये झोंपड़ी ताड़ के इस तरह रह रहे हैं, पोलोथीन गिराकर इस तरह या पेड़ों में ही जड़ों में रह रहे हैं, क्योंकि ये गरीब गुरबा लोग तो यही बकरी पालन वगैरह करते हैं। इस तरह की अवैध जगहों में इनका गुजारा बसर पता नहीं कितने बरसों से चला आ रहा था। हम चाहते हैं कि इसी की उम्मीद से, इसी वजह से हम चाहते हैं कि इस तरह हम आवाम को मदद करें, खिदमत करें। और साथियों मुझे इतला मिली है कि फिरोजपुर झिरका में सबसे ज़्यादा मकान टूटे हैं, तकरीबन 70 मकान टूटे हैं, जिसमें 20 मकान हिंदू भाइयों के और 50 मकान मुस्लिम भाइयों के, तो 70 मकान वहाँ भी टूटे हैं। तो हम चाहते हैं ये मुहिम हमारी आगे जारी रहे। अगर दानवीर तुम दान करते रहोगे तो कम से कम हम राशन तो इनके पास पहुँचाते रहेंगे। रही बात इनकी घर बसाने और ज़मीन लेने या इस तरह की कुछ आगे की प्लानिंग्स, तो आगे तो समाज बहुत बड़ा है, दानवीरों की कमी नहीं है देश के अंदर, एक से एक दानवीर बैठा है। लेकिन कमांडो टीम मेवात एक छोटे से काम को करके एक मिसाल पेश करना चाहती है, भाईचारे का अमन, भाईचारे का पैगाम देना चाहती है कि हम यहाँ नुहू में करने के बाद फिर हम फिरोजपुर झिरका भी जाएंगे, अपने हिंदू भाइयों से मिलेंगे, मुस्लिम भाइयों से, उनको भी राशन पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप दानवीरों का सिर्फ हमारे साथ रहना चाहिए। बाकी इसी महीने में हमारे पास 8 बहनों की शादियाँ और बची हैं, 11 शादियाँ थी, 3 शादियाँ कैरा का और 2 शादी धौलेट गाँव राजस्थान में हो चुकी है, जो हमारी वो मुहिम भी लगातार जारी है। लेकिन अभी मैं कुछ गुजारिश करूंगा कुछ भाइयों से कि अभी शादियों का सिलसिला थोड़ा सा रुकवाएं, अभी यतीम बहनों की शादियों को थोड़ा सा रुकवा के गांव वाले उनको संभाले। तकरीबन हमें अभी जरूरत है, ऐसे जो बेघर हो गए इनकी मदद करने की आज जरूरत है। साथियों कमांडो टीम मेवात सबकी मदद चाहती है, सबका सहयोग चाहती है, मोहब्बत से अल्लाह से अपील भी करना चाहती है, समाज के अंदर अमन रहे, हमारा मेवात जिंदाबाद रहा है, हमेशा भाईचारा जिंदाबाद रहा है रहेगा, और हमेशा हमारा हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब हमेशा दुनिया में मिसाल दी जाती है। ना हम कभी लड़े, हम किसी के बहकावे में ना आए, किसी के गुमराही में ना आए, हम इसी तरह मोहब्बत से जीते रहे, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारे से इस तरह आगे बढ़े, मेवात मजबूत होगा, राज्य हरियाणा मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूँ आपका भाई कमांडो हिदायत खान।